बड़ी एक छोटी सी कहानी है, मैं फटाफट से वो कहानी सुनाऊंगा एक सेकंड की। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत राजा का बेटा एक स्कूल में पढ़ा करता था, तो उसकी एक दिन घड़ी चोरी हो गई। वो बहुत विदेश से लाया था, लाखों रुपए की घड़ी थी। तो टीचर ने कहा कि भाई ऐसा तो है नहीं कि इस क्लास में 30 बच्चे हैं और कोई घड़ी चोरी कर ले, मिले नहीं, सबके बस्ते चेक होंगे। तो टीचर ने क्या कहा कि सब बच्चों की आंखें बांध दी, ठीक है। और उसने घड़ी देखी तो एक बच्चे के बैग में मिल गई और टीचर ने उसको दे दी और उस बच्चे को डांटा भी नहीं। अब वो बच्चा मनी मन सोच रहा था कि टीचर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मेरे बस्ते में घड़ी मिली है। अब वो बच्चा उस दिन ऐसी सीख लेता है टीचर से कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, पकड़ा जाएगा, वो विदेश चला जाता है, बहुत बड़ा आदमी बनता है। तो एक दिन वो वापस उस स्कूल में आता है और उस टीचर से मिलता है, कहता है गुरुजी मैं आज यहाँ पहुँच गया हूँ। गुरुजी कहते हैं अरे तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए। नहीं गुरुजी, मैं आज भी आपसे बहुत छोटा हूँ, मुझे आज भी वो दुनिया आता है जब मैंने घड़ी चुराई थी और आपने क्या किया था, किसी को बताया नहीं था कि वो चोर मैं हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा वो बच्चे तुम हो? तो वो बोला कि गुरुजी आपको भी नहीं पता कि बेटे जब मैंने 30 बच्चों की आंखें मानी थी ना, तो मैंने अपनी भी आंखें मान ली थी घड़ी ढूंढते वक्त। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं किसी भी विद्यार्थी को इस नज़र से देखूं, क्योंकि तुम्हें भी और इस स्कूल में 2 साल पढ़ना है, कि ये लड़का चोर है। मैं भी ये नहीं जानना चाहता था कि मेरा विद्यार्थी कौन चोर है। तो उस कहानी से हम लोगों को भी सीख लेनी चाहिए, मैं भी लेता हूं, कि मदद जिस हाथ कर रहे हो ना मदद करने वाले को पता होना चाहिए, ना हमें पता होना चाहिए कि हमने किसकी मदद की।